सुनता हूं टीवी पे, बहुत प्रेशर है, आईपीएल खेलते हैं, बहुत प्रेशर है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, मत खेलो। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के केले और अंडे बेचने वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। विवादित बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो उन खिलाड़ियों के लिए बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि आजकल खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वर्कलोड है, क्योंकि आईपीएल भी खेलना होता है और अन्य सीरीज भी खेलनी होती है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि कपिल देव ने इस पर क्या कहा था। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान कपिल देव ने कहा था कि खिलाड़ी कहते हैं कि हम आईपीएल खेल रहे हैं इसलिए बहुत प्रेशर है, यह सब सामान्य हो गया है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए मैं कहता हूं कि मत खेलो। आपको कौन कह रहा है? अगर आप उस लेवल पर खेल रहे हो तो दबाव होगा, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी आलोचना भी होगी। अगर आप आलोचना से डरते हैं तो मत खेलो। आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप कहते हैं दबाव है, यह कैसे संभव है? 140 करोड़ के देश में केवल 20 खेल रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि प्रेशर है। इसके बजाय आपको कहना चाहिए कि ये गर्व की बात है, आपको लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, उस पर गर्व और आत्मसात करना चाहिए। कपिल देव ने आगे ये भी कहा कि प्रेशर एक अमेरिकी शब्द है, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो ना करें। क्या कोई आपको मजबूर कर रहा है? जाकर केले की दुकान लगाओ, अंडे बेचो। आपको एक मौका मिला है तो आप इसे दबाव के रूप में क्यों लेते हैं? इसे आनंद के रूप में लें और मजे करें। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे आपका काम आसान लगने लगेगा, लेकिन आप अगर इसे दबाव कहेंगे तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ऐसा कहना है कपिल देव का। तो कपिल देव के इस विवादित बयान पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।